मैं निखिल, मुझे मुंबई आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए। एक रिश्ता सा बन गया इस शहर से। मुझे तो इस शहर की भीड़ में भी सुकून मिलता है और कभी कभी इस भीड़ से निकलकर कोई चेहरा सामने आ जाता है जो आपके जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। ऐसे ही एक चेहरे से मेरी मुलाकात हुई, उसका नाम बिंदिया था। ले लो ना साहब। वो बलून खरीदने के लिए जिद करने लगी। ले लो साहब। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपना पॉकेट तलाशा। चॉकलेट तो मुझे भी खाना था, अब मैं उसे रिक्वेस्ट किया कि हम बांट के खाएं। हम वहीं आसपास सड़क किनारे बैठकर चॉकलेट खाने लगे और कुछ बातें भी हुई। फिर मैं वहां से चला गया। कुछ दिन बाद हम फिर मिले। उस दिन चॉकलेट तो नहीं था, हाँ कुछ पैसे जरूर थे, तो मैंने उससे बलून खरीद लिए। ये सिलसिला अब चलता रहा। मैं दिन भर काम की तलाश में भटकता, शाम को वापस घर लौटते वक्त वो सड़क पे मुस्कुराते हुए मिलती। कोई रिश्ता नहीं था उसके साथ, लेकिन वो मुस्कुराते हुए मिलती थी तो अच्छा लगता था। लोगों के लिए बस एक न्यूज़ होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक संदेश था कि कल मुस्कुराकर जो मिली थी मुझसे, वो मुस्कान अब हमेशा के लिए खो गई है। पहली बार किसी का खोने का एहसास हुआ है मुझे। ऐसा लगता है जो सुकून था यहाँ कहीं चला गया हो। Thank you.
क्या करता मैं? आवाज उठाता उन लोगों के खिलाफ, सड़कों पे मोर्चा लेके घूमता, या चौराहे में कैंडल जला के बैठ जाता। कैंडल का लौ भी कुछ घंटों में बुझ जाता है, तो वो लोगों के अंदर कितनी देर तक आग लगा पाता। सभी तक हार के चले जाते अपने अपने रास्ते, फिर रह जाता मैं और वहीं आते, और वो लोग जो बिंदिया का रेप किए थे आज कहीं बेफिक्र होकर घूम रहे होंगे। क्या पता जो बिंदिया के साथ हुआ कल किसी और की बारी हो। तो कल किसी और की बारी क्यों? अगर कुछ होना है तो मेरे साथ क्यों नहीं? कुछ दिन पहले एक लड़की का रेप करके मार दिया गया, याद है ना? तू जिद करेगी तू भी मरेगी। तुम लोग थे? हाँ वो हम ही थे। Ah!